आंध्र प्रदेश के अक्कीवेदु एक निजी स्कूल ने कुछ छात्रों को समय पर विद्यालय फीस के भुगतान न करने के लिए उन्हें शौचालय के पास खड़ा कर दंडित किया। हालांकि सोमवार को यह घटना हुई है। हालांकि माता पिता को कल इसके बारे में पता चलने पर उन्होंने स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नागा प्रसन्ना पुलावाला नागा मेगा संजनी और वास महिता रविंद्र रेड्डी स्कूल ने शुल्क का भुगतान न करने पर शौचालय के पास खड़ा रहने के लिए कहा था। स्कूल प्रशासन ने दावा किया कि माता पिता को नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए छात्रों को मासिक परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं मिली। शौचालय की घटना को खारिज करते हुए स्कूल के प्रतिनिधियों ने माता पिता को बताया कि हमने बच्चों के शुल्क का भुगतान न करने के लिए माता पिता को नोटिस जारी किया था, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं हुआ है। हालाँकि वाला नागाराजू ने कहा कि वह व्यक्तिगत काम पर हैदराबाद में थे और फीस के भुगतान के लिए अक्कीवेदु तुरंत नहीं आ सकते थे, लेकिन प्रबंधन ने मेरी बेटी को शौचालय पर के पास खड़ा रहने के लिए कहकर दंडित कर दिया। उन्होंने कहा, क्या बच्चों को दंडित करने के लिए स्कूल की ओर से ये सही कदम उठाया गया है? अभिभावकों ने कहा है कि उन्होंने पहले से ही प्रबंधन को बताया है कि वे वापसी के बाद शुल्क का भुगतान करेंगे। अन्य दो माता पिता दनुला श्रीनिवास और वास प्रसाद ने भी यही कहा है कि वे बच्चों के स्कूल शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। माता पिता ने कहा, जब हम फीस के बारे में चर्चा करने के लिए स्कूल गए तो उन्होंने हमें स्कूल से बाहर जाने के लिए कह दिया। बीच में उच्च शिक्षा मंत्री जीना श्रीनिवास राव ने जिला शिक्षक अधिकारी से स्कूल की मान्यता रद्द करने को कहा, साथ ही कहा है कि ये एक अपमानजनक घटना है। कल डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर मधुदरी सूर्या नारायण ने स्कूल का दौरा किया और प्रबंधन के प्रतिनिधियों और माता पिता के साथ इसकी जांच की। उन्होंने मीडिया को बताया कि ये घटना पर उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।